इस जीत का श्रेय मैं पूरी ग्राम पंचायत नंगली हो जाके समस्त मतदाताओं को देना चाहता हूँ। सर बिल्कुल, आप शिक्षित भी हैं और आपने डोर टू डोर जनसंपर्क किया है, अब आपकी क्या योजनाएं रहेंगी और जो अब ग्राम पंचायत के लिए? ग्राम पंचायत नंगली ओझा में सबसे पहले मेरी प्राथमिकता रहेगी पानी की। इस ग्राम पंचायत में दांतला, अगवाणी और एक पुरानी मंडी, वहाँ पर पानी की बहुत भारी समस्या है। सबसे पहले प्राथमिक पानी की समस्या को निस्तारण करेंगे सबसे पहले। बात करें गांव में सड़कों की, तो सड़कों को लेकर आपकी क्या योजनाएं रहेंगी? सड़कों के लेकर सबसे पहले प्राथमिकता उसको दी जाएगी जहां पर अभी तक गंदा पानी भरता है, प्राथमिकता पहले उसे, फिर बाकी अब धीरे धीरे करके ना सभी की वो किया जाएगा कॉलोनियों को। सर कहीं ना कहीं देखा जाता है कि सरपंच जो मुख्यालय हैं वो खाली रहते हैं, तो उसको लेकर आपके क्या कर्मचारियों? नहीं, अब की बार ऐसा कुछ नहीं होगा, बिल्कुल सबको साथ लेकर, कर्मचारियों को लेकर, सभी को साथ लेकर विकास की ओर कदम बढ़ाएंगे। सर तमाम कार्यकर्ताओं ने खूब मेहनत की है इस चुनाव में, तो मतदाताओं को और सभी को आप क्या संदेश देंगे? मतदाताओं को और कार्यकर्ताओं को मैं यही संदेश देता हूं कि कार्यकर्ताओं ने जो मतलब एक शांतिपूर्ण तरीके से मतदान करवाया, कोई भी दंगा फसाद नहीं हुआ, उसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। सभी ग्राम पंचायत नगलोजा में सभी मतदाताओं का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जिसने सहयोग किया, उनको साथ लेकर और काम करवाऊंगा, उनको एक साथ लेकर चलूंगा। मेरा तो कहना यह है कि नंगली ओझा ग्राम पंचायत के जो मतदाताओं ने जो जोश हर्षोल्लास के साथ जो चुनाव लड़ाया गया उसमें सभी की खुशी है, और भाई धर्मेंद्र को लेकर के पूरी पंचायत ने एक साथ जुट करके और भाई धर्मेंद्र को विजय बनाया। इनकी काबिले तारीफ, भाई धर्मेंद्र को श्रेय देना चाहेंगे कि आगे भी ये पंचायत को इसी तरह आगे लेके चलें।